हेलो हेलो। ওদেরকে একটু ফোন করে ফোন করে নেই। হ্যাঁ, দুইজন আছে তো, আর কেউ? হ্যাঁ, এটা তো ওদের কলিতা দাও নাকি? আর কলিতাটা আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ওই আলপুর থেকে তো ফোন করছিলাম। হ্যাঁ শুভাশিস কে আমি ফোন হ্যাঁ কলিতা দা আছে। শুভাশিস কে একটু ফোন করে নিই স্যার। আমি রিং করে দিচ্ছি। तो इसका ऐसा है ना कि जैसे पेशेंट को और सुधा चले आते हैं सुबह से। সুভাশিস নাই তো, অসুধা তো চলে আসছে। সুভাশিস নাই, ফোন করে দাও। এখন হয়ে গেছে, হয় নাই? সুভাশিস আসে নাই তো? कोई अस्थमा पेशेंट का हो गया, ठीक है। अभी हम लोग आगे करेंगे कि पेशेंट को इतना ज्यादा गुस्सा आता है अपने, जब वो रिकवरी होना उसका थोड़ा मुश्किल लगने लगता है, या पॉवर्टी में आ जाता है, वांट्स वाली कंडीशन होने वाली होती है। पेशेंट को कैसे स्टार्ट होता है ये समझे? जब तक पैसा है, हेल्थ ठीक है, रिलेशन ठीक है, आसपास के लोगों से रिलेशन अच्छा है, अपने रिलेटिव से रिलेशन अच्छा है, तो हर चीज अबंडेंस में, उसको कभी ये फील नहीं होता है कि मेरे को कभी जीवन में तकलीफ भी हो। तो वहाँ ये हमेशा वेल्दी फील करता है। वेल्दी फीलिंग में रिडक्शन शुरू होता है। हाँ, सबसे पहला इंजरी शुरू होती है। इंजरी शुरू होती है डिलीजन इंजर्ड बीइंग इंजर्ड, ठीक है, और फ्रीवलेस नेचर के कारण, और नेगलिजेंस के कारण उसको ध्यान नहीं दे। ठीक है, थोड़ा पैसा अभी इतना है ना मेरे पास। अब जैसे किसी के पास 10 बीघा जमीन है, या हेल्थ एकदम ठीक है, डेली दौड़ता है, डेली योगा करता है, 4-5 किलोमीटर दौड़ लेता है, और खाने पीने में भी अच्छा है, कोई उसको गैस वैस कुछ तकलीफ नहीं है। लेकिन जैसे धीरे उसको, जैसे मैं वो पेशेंट का बताया था कि मैं 4-5 पीस मीट मच्छी खा लेता था, एक दिन में तो उसका ऐसा नहीं हुआ होगा। पहले 4-5 पीस से वो 3 पीस पे आया होगा, फिर 2 पीस पे आया होगा, फिर 1 पीस पे आ गया, फिर भी उसमें दिक्कत होने लगा। तो ये क्या हो रहा है? 4-5 पीस जो था वहां से इसको इंजरी शुरू हो, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और वो घटता चला। तो ये इंजरी तो स्टार्ट हो गया, लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया। क्यों? डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग इंजर्ड पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक रूब्रिक है इसके साथ फ्रीवलस, तो ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है यार, क्या हो गया, 4 पीस पे आ गया, कोई बात नहीं, चलता है। फिर जब 3 पीस पे आ गया तो भी सोचा यार सब ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं, 3 पीस तो खा रहे हैं ना, अभी तो पचा ले रहा हूँ, गैस वैस नहीं हो रहा, उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। और फिर जब 2 पीस पे आ गया तब थोड़ा सा इसको ध्यान आया कि अरे यार अब तो मैं 2 ही पीस खा पा रहा हूँ, फिर भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ये 1 पीस खाने में भी इसको डिफिकल्ट होने लगा, गैस होने लगा, पेट में जलन होने लगा, असुविधा होना शुरू हो गई, ठीक है, तब इसका ध्यान आया कि नहीं अब ये कुछ गलत हो रहा है। तो
यहाँ पे क्या हुआ, ये अलर्ट हो गया और केयर करना शुरू हो गया कि नहीं अब मैं इससे ज्यादा नहीं खाऊंगा, एक ही पीस खाऊंगा और ज्यादा मसाला वाला मत बनाओ, ज्यादा मसाला खाने से मेरे को जलन होने लग रहा है, ठीक है। और इसी में क्या होता है फिर, जैसे ये डिल्यूजन इमेसिएशन ऑफ, तो पहले इंजरी के बाद इमेसिएशन, उसको पता है धीरे धीरे मेरा पावर घट रहा है, खाने का पावर घट रहा है, हेल्थ घट रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन जब उसको लगता है कि नहीं अब तो मेरा रिडक्शन होते होते इमेसिएशन कब से शुरू हो गया, जब से उसका 5 पीस से 4 पीस पे आ गया, 4 रोटी से 3 रोटी पे आ गया। वो महिला पहले वो 4 रोटी खा लेती थी, फिर 3 रोटी पे आ गई, तब इसको ध्यान आया कि नहीं यार कुछ तो घट रहा है। उसी तरह से हेल्थ में कुछ तो हेल्थ में भी घटना शुरू हो गया। तो सल्फर का केवल वेल्थ क्या क्या है, उसका वेल्थ जो है हेल्थ भी है, उसका पैसा भी है, उसके रिलेशन भी है, ये सब वेल्थ है उसके लिए। और जब वो ठीक ठाक है सब कुछ, तब उसको लगता है कि मेरे पास ये सब कुछ प्रचुर मात्रा में बहुत ज्यादा है, कभी नहीं घटेगा मेरा। तो जब उसमें रिडक्शन शुरू होता है, तो रिडक्शन कैसे होता है, हमारा कोई भी चीज शरीर में ही हमारा स्ट्रेंथ है, क्या होता है इमेसिएशन घटने लगता है, गलने लगता है, शरीर बोलता है ना गोले जच्चे, तो क्या है इमेसिएशन हो रहा है, लेकिन अभी तक वो थिनिंग वाला फील नहीं आया कि मैं दुबला हो रहा हूँ, मैं कमजोर हो रहा हूँ, मेरा पैसा घट रहा है। और घटने के साथ साथ अभी इतना ज्यादा घट जाएगा कि पॉवर्टी वाली बात में आ जाएगा, फियर पॉवर्टी ऑफ, ठीक है। और जब इसको, और जब इतना पॉवर्टी में आ जाएगा, तब इसको लगेगा कि नहीं अब मैं डिल्यूजन वांट्स वाले कंडीशन में आ गया, तब ये ट्राई करना शुरू करेगा, केयर करना शुरू करेगा, अलर्ट हो जाएगा। और इसको इतना गुस्सा आएगा कि मैं इसको ऐसे कैसे कर दिया, मैंने ऐसा क्यों कर लिया, कैसे हो गया इतना सारा मेरा सब सब, आज 10 बीघा था, 8 बीघा हुआ, 9 बीघा, 7 बीघा हुआ, 5 बीघा हुआ, बेचते बेचते 3 बीघा पे आ गया, जब 1 बीघा बच गया इसका, तब इसको ध्यान आने चाहिए अब तो मैं अगर इसको भी बेच दिया तो बस वांट्स वाली पॉवर्टी वाली कंडीशन हो जाएगी, मांग के खाना पड़ेगा मेरे को, दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, तब ये अलर्ट हो जाता है। और उस समय इसको गुस्सा आता है, कहता है अरे यार मैंने ऐसे कैसे कर दिया, तो क्या है रुबली एंगर टियर हिमसेल्फ टू पीसेस, अपना मन करता है कि अब सब हाथ पैर काट कूट के फेंको। और फिर ये जब केयरफुल हो जाता है तो क्या करता है, ओल्ड वेक्स एवोशन, अब इसको लगता है कि भाई अब मेरे को लोग बता रहे हैं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तब इसको गुस्सा आता है, मेरे को मत सिखाओ, एंगर एजुकेशन टू, तुम्हें हमको सिखाओ ना, हमें सब जाने की करते हो, तब भी इसका इतना सारा ईगो के कारण से ये लोगों की बात नहीं सुनता है और अपने आप को दिखाता रहता है कि नहीं मैं अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता है, तब इसको गुस्सा आता है। तब गुस्से में लोग जब बताने आते हैं कि तुम ये किया, ऐसे करो ऐसे करो, तुम्हारा फिर से सब ठीक हो जाएगा, तब ये बोलेगा मुझको मत सिखाओ, मेरे को सब पता है, क्या बोलेगा कि इतना गुस्सा आता है कि अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर लूं, डॉक्टर साहब ऐसा कैसे मैंने कर लिया, ऐसे कैसे मैंने सब खत्म कर लिया अपना, ना हेल्थ कैसे बिगाड़ लिया, और आप मुझे मत सिखाओ, लोग ऐसे एवर्सन एजुकेशन टू, आप मुझे मत सिखाओ, मुझे सब बात पता है, अच्छी तरह से जानता हूँ मैंने क्या किया है, दूसरों की शिक्षा मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे अपने आप को ठीक कैसे रखना है मालूम है, ये सब बात बोलना शुरू करेगा। और वैसी चीजों को भी वैसा कपड़ा, आप इसीलिए रैग फिलोसफर बोलते हैं ना, ये जो पुराना पुराना कपड़ा भी अब उसको अच्छा लगने लगेगा, तो पुराना कपड़ा निकाल के पहनेगा, क्योंकि उसको लगता है कि भाई ये घट रहा है, घटना शुरू हो गया है, इसीलिए ये इस ढंग से करने लगता है, ठीक है। ये ओल्ड रैग्स है ना,
delusion beautiful rake seems even all rake seems even silk, ये सब रूबरी का ना, ये फिर उस स्टैंडर्ड में आ जाता है। पहले तो खूब खर्च करेगा, वो मोटे सोने का चेन पहनेगा, क्या मर्जी वहां खाएगा पिएगा, है ना, और मजा करेगा ना। एक एक रूबरी का सर, ऐसा रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो चुका है सर? हाँ रिकॉर्डिंग हो चुका है। मजा किरकम करबे, ड्रिंकिंग ऑन स्लाइ, अल्कोहलिज्म ड्रिंकिंग ऑन स्लाइ, ड्रिंकिंग। तो यहाँ पे फिर अभी ये जो घटने वाला काम कब से शुरू हुआ, जब इसको तकलीफ होना शुरू हुआ, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया और इंजरी शुरू हो गया। जब इमेसिएशन होने लगा, डिलूजन इमेसिएशन एक रूब्रिक है, घट रहा है लेकिन ध्यान नहीं दे रहा। जब डिलूजन थिन इज गेटिंग, तब इसको ध्यान आया, अलर्ट हुआ, ठीक है, और केयरफुल हो गया। और जब पॉवर्टी वाली बात हुई, तब ये कोशिश करना शुरू किया, डॉक्टर के पास आना शुरू किया। तो डिल्यूजन, इससे क्या हुआ, डिल्यूजन मीटिंग में जो चीजें कभी कभी किसी काम की नहीं थी, उसको भी काम में ला रहा हूँ और इस्तेमाल करने पर अच्छा लग रहा है, यही है डिल्यूजन ब्यूटिफुल रैग सीम सीवन, ठीक है। तो सल्फर का पेशेंट या किसी को पुरानी चीजें अच्छी लगने लगती है। पहले जो आदमी बढ़िया से कपड़ा पहन के और बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूमता था, अब क्यों पुरानी वाली साइकिल निकाल के घूम रहा है, क्योंकि इसको पता लग गया है कि अब मेरी पॉवर्टी में मैं आ गया हूँ। अब इसको डर होने लगा कि कार में चलूंगा तो तेल लगेगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो ये ओल्ड रेग्स सीम्स ब्यूटीफुल, और ओल्ड रेग्स सीम्स सिल्क, लुक लाइक सिल्क, मतलब सिल्क का ही कपड़ा वो लग रहा है, उसको पुराना हो गया, फटा चिटा है, फिर भी उसको सिल्क लग रहा है। जो चीजें कभी काम की नहीं थी, उसको भी काम में ला रहा हूं और इस्तेमाल करने पर अच्छा लगता है। इसके साथ डिल्यूजन थिन इज गेटिंग हमेशा रहती है। जो चीजें क्यों कर रहा है ये, क्यों पुरानी चीजें इसको अच्छी लगने लग गई, पहले तो नहीं लगता था, है ना, अभी क्यों अच्छा लग रहा। तो ये चीजें क्योंकि अब इसको थिन इज गेटिंग, मेरा माल मेरा पैसा घट रहा है, मेरा हेल्थ घट रहा है, मेरे रिलेशन घट रहे हैं रिलेटिव्स के साथ, ये सब चीजें जब होने लगती है, तब इसको पुरानी बातें याद आने लगती है। फिर ये अपने एक बार बीच में ये क्या करता है, बड़े अपने जो बड़े बड़े पैसे वाले रिश्तेदार हैं या गाँव मतलब मोहल्ले में पैसे वाले लोग हैं, वो दोस्त होते हैं, नीचे वाले को भूल जाता है। लेकिन बाद में जब इसका थिनिंग होना शुरू होता है, तो वो जो जिस दोस्त थे वो कभी दोस्ती नहीं करता था, छोटे लोग हैं इनसे क्या दोस्ती करना है, गरीब लोग हैं इनसे उनसे भी दोस्ती करना है, यही ओल्ड रेग्स पीसेस ब्यूटीफुल, ओल्ड रेग्स सीम्स ब्यूटीफुल, ठीक है, समझ में आ रहा है, बंगला में समझा नहीं पाऊंगा ऐसा, इतना अच्छा से, ठीक है। तो ऐसे चीजों को समझना है, सल्फर का केवल हेल्थ से वेल्थ से ही नहीं होता है, हाँ रिलेशन में भी होता है, उसमें जब घटने लगता है तब ये अलर्ट। तो इसके साथ डिल्यूजन थिन इज गेटिंग हमेशा रहती है। जब कब होता है ये डिल्यूजन ब्यूटीफुल रेक सीम्स, क्योंकि अब तो मेरे पास वो इतना पैसा नहीं है,
গাছ পড়ে গেছে। আশেপাশে অনেক গাছ আছে না, একটা পড়ে গেছে, ওই আওয়াজটা হলো। ঠিক আছে, উসকি সাথ ক্যা হ্যায় ওল্ড ওল্ড রেড সিংস বিউটিফুল কে সাথ ডিলুজন থিন ইজ গেটিং হমেশা রহেগা কি মেয়ে আব ঘট রহা হ্যায় মেরা জো ভি হ্যায় পয়সা ঘট রহা হ্যায় জমিন ঘট রহা হ্যায় ওয়েলথ ঘট রহা হ্যায় ইয়া হেলথ ভি ঘট রহা হ্যায় ইসলিয়ে জেসে জেসে কপড়া পহন কে ঘুমতা রহেগা আব উসকো মন নেই করেগা থোড়া আচ্ছা দিখো ইয়া লোগো কে সামনে আপনে আপকো প্রেজেন্ট করো ঠিক হ্যায় অর ডিলুজন ব্ল্যাক হি ইজ সি ইজ ঠিক হ্যায় डिलूजन ब्लैक बॉडी इज क्यों लेडीज हमेशा बोलते हैं ना मतलब जब उनको थोड़ा सा हेल्थ में कमी आ जाता है या थोड़ा सा थोड़ा चेहरे में थोड़ा कमी होने लगता है तो वो लोग उतना सजमा संवरना बंद कर देते हैं। अरे यार अब तो ये हो ही गया, क्या करना है अब ज़्यादा सर सब कि चेहरा तो ऐसे ही मेरा खराब है। डिलूजन ब्लैक सी इज डिलूजन बॉडी ब्लैक इट इज डिलूजन थिन इज गेटिंग क्या बोलते हैं पेशेंट को, पेशेंट बोलेगा क्या डॉक्टर माई कॉम्प्लेक्शन इज अपियरिंग ब्लैक टू मी डे बाई डे मेरा कॉम्प्लेक्शन जो है ब्लैक हो रहा है, मतलब ब्यूटीफुल नहीं रहा, खराब हो रहा है। कॉम्प्लेक्शन इज अपियरिंग ब्लैक टू मी मतलब काला, ऐसा नहीं कि काला ही हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, खराब लग रहा है। जो मैं ब्यूटीफुल थी उसमें थोड़ा सा कमी आना शुरू हो गया है डे बाय डे। वो जो फर्सा मतलब गोरी गोरी थी वो गोरापन, मतलब लेडीज को गोरापन ऐसा नहीं है कि गोरा ही है, उसमें जो एक सुंदरता है वो जब बीमार होने लगते हैं या थोड़ा शरीर में कमजोरी आने लगती है या पैसा घटने लगता है तो नेचुरली हम लोग को थोड़ा सा ये लगता है कि मैं थोड़ा लो होता जा रहा है ना। ये चीज बीमारी ने इतनी बुरी हालत कर दी है कि शरीर दिन पर दिन काला होता जा रहा है। डॉक्टर दिन पर दिन गलता ही जा रहा हूँ, शरीर गोले जाच्छे, कम बोले तो दिन हमारे शरीरता गोले जाच्छे, हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है और दिन पर दिन हालत खराब होती जा रही है। तो यहाँ पे तीन तीन रूपरेख हो गया। एक क्या है, पहले तो इंजरी हो रहा है, डिल्यूजन दिन पर दिन शरीर गलता जा रहा है, मतलब डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग इंजर्ड और डिल्यूजन इमेंसिएशन ऑफ और क्या डिल्यूजन थिन इज गेटिंग, तीनों रूपरेख एक साथ चल रहा है। और क्या हो रहा है, डिल्यूजन ब्यूटिफिकेशन, जो शरीर जो काला मतलब अच्छी लग रही थी वो क्या हो रहा है, ब्लैक सी इज डिल्यूजन बॉडी इज ब्लैक। ये सब चीज एक साथ चलता रहता है, इसीलिए पेशेंट आपके पास आता है। उसी तरह से एक रूपरेख में बताता हूँ, मेरा भांजा है उसका लड़का, मैं एक दिन उनको घर में गया था तो उसकी वाइफ उसको नहाने के लिए मतलब उसकी मम्मी नहाने के लिए उसको कर रही थी और वो चिल्लाया जा रहा था नहीं नहाऊंगा नहीं नहाऊंगा, रो रहा है बहुत जोर जोर से। बोला क्यों रो रहा है, बोला ये नहाने से पहले ना ऐसे ही रोता था, ऐसे ही रोता है, बहुत रोने लगता है नहाने से, नहाना नहीं चाहता। तो मैंने बोला ठीक है उसको ना सल्फर दे दे। तो घर में दवाई रहता है, फिर मैं जब यहाँ से आ गया मैंने जीने से फोन आया तो मैंने पूछा कि अभी कैसा है, बोला नहीं अब खुद ही नहा लेता, उसको कुछ ये करने का नहीं। तो ये रूबरी के वॉशिंग अवर्सन टू वॉश बाथिंग चिल्ड्रेन इन, ये रूबरी अब सिंगल सल्फर था उसकी, तो मैंने उसको सल्फर दिया वो ठीक हो गया। अब अभी तक उसमें वो चीज नहीं, अब काफी बड़ा हो गया, अब काफी बड़ा हो गया वो। तो ये चीज मैंने जस्ट वहां, इसलिए रूबरिक हमें रखना याद बाथिंग वॉशिंग वॉशिंग अवर्सन टू वॉश वॉचिंग चिल्ड्रेन इन। और फिर ये फिर क्या है, इम्बेसिलिटी ओल्ड रेक्स आर एज फाइन एज सिल्क। ये सब जब आपको मतलब चिनिंग के साथ साथ इमेसिएशन के साथ साथ ब्लैक जब हो जाते हैं ना तो लगता है यार कुछ भी पहन लो, क्या करना है, मन ठीक होना है, बाहर से क्या दिखाना है, कुछ भी पहन लो, चल दिए जो भी पहन के फटाचिटा। Thin is getting, delusion thin is getting, the sensation is that he is getting thin day by day. That is losing weight,
अबाउट मेंटल सेटअप, ही फील्स ही इज लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. अबाउट मेंटल सेटअप, कि अब मैं पहले जैसा ना लोगों से मिल के या अपनी बात को रख नहीं पा रहा हूँ एकदम से, जो मैं बोल्डली अपनी बात रखता था. मेंटल सेटअप में भी डे बाय डे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है. ये सारी बातें आएंगी थिंग इज गेटिंग इट. ठीक है, पेशेंट सेज डे बाय डे आई एम लूजिंग वेट एंड बिकमिंग वीक. ठीक है, एक पेशेंट मेरी ऐसे ही थी, उसको मैंने उसका पीरियड, यंग लेडी, ये उसका एक बच्चा था 8-9 साल का रहा होगा बच्चा, तो बोली कि ये भी बच्चा मैंने अंग्रेजी दवा खा के पीरियड रेगुलर करके हुआ है, उसके बाद से मेरे को बच्चा भी नहीं हो रहा है और पीरियड भी रेगुलर, कभी 6 महीना कभी 1 साल ऐसा हो जाता है. हम लोग सोच लेते हैं 1 साल हो गया तो बंद हो जाएगा, लेकिन फिर हो जाएगा, लेकिन रेगुलर नहीं होता. इतना दवा कर लिया, इतने डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन रेगुलर नहीं हो रहा. तो मैंने उसको ओपियम दिया तो उसका पीरियड रेगुलर होने लगा, हर महीने रेगुलर होने लगा, लेकिन जो स्टार्ट हुआ वो रुक ही नहीं रहा, कंटिन्यू चला जा रहा है. तो एक हफ्ता के बाद वो बोली कि बच्चा एक हफ्ता हो गया तो ज्यादा हो रहा है. तो मैं सोचा तो फिर से वही रुबरिक है, एक्स्ट्रा वैकेंसी हो रहा है इसको, ओपियम ही है, तो मैंने दवाई नहीं दिया. फिर 1 महीना के बाद बोली, फिर 1 हफ्ता बाद आई, फिर बोली डॉक्टर साहब ये रुक नहीं रहा. ठीक है, ये रुक नहीं रहा, तो ये रुकना चाहिए ना, ऐसे बोले. मतलब क्या हो रहा है? मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना तकलीफ नहीं हो रहा मेरे को, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये अब रुकना चाहिए ना, ये हो ही जा. फिर भी मेरे को लगा कि अरे ठीक है, डिल्यूजन जर्नी ही इज ऑन ए जर्नी. फिर भी ओपीएम का रुबरिक है. फिर नेक्स्ट वीक जब आया, करीब 20-22 दिन हो गए, फिर बोली डॉक्टर साहब ये रुक नहीं रहा. फिर मेरे को समझ में आया, 1 महीना होने के बाद ये बोली कि डॉक्टर साहब जब ये 15 दिन तक होता रहा, 20 दिन भी हो गया तो भी इसको उतना फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब 1 महीना लगातार होता रहा तब इसका क्या हुआ, इसको कमजोरी होना शुरू हो. ठीक है, और ये जय गुरुदेव वाला नहीं है, ठाकुर अनुकूल, उनका ये लोग उनको मानने वाले, तो ये थोड़ा ज्यादा रिलीजियस है, जो ज्यादा रिलीजियस इसको तो इस पे होने लगा कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, लोगों से मिलती हूँ लेकिन मंदिर इन लोग का है, ठाकुर अनुकूल का, यहाँ पे वहाँ नहीं जा पा रही हूँ, मैं ही वहाँ सब काम करती थी, सारा ठाकुर नहलाना धुलाना और बर्तन सब साफ, पूजा घर को साफ करना, सब मेरा ही काम था, मैं वो कर नहीं पा रही हूँ. मतलब 1 महीना हो गया डॉक्टर, ये मेरे को लगा यार बीच बीच में ये ओपीएम का सेट देता रहता है, लेकिन उसका क्या. फिर 1 महीना बाद मेरे को समझ में आया कि ये धीरे धीरे जो कमजोरी हो रही है, जब इसको तब इसके समझ में आया कि नहीं, ये मैं अब कमजोर हो रही हूँ, और तब मैंने उसको फिर सल्फर दिया. ये रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, ये बार बार बोल रही थी, 7th डे से ही बोल रही थी, लेकिन उसको उतना फर्क नहीं पड़ रहा था 7th डे में, ठीक है चल रहा है, वो इंजरी शुरू हो गया, लेकिन फ्रिवोलस नेचर के कारण ये चलो ठीक है कोई बात नहीं, वेल्थ के कारण, इतना वेल्थ है अभी मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है. 15 डेज भी उसने वेल्थ दिखाया कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब बंद होना चाहिए बस, ऐसा बोलते. लेकिन जब 20 डेज हो गया तब उसको फीलिंग शुरू हुआ, जबकि उसको 1st डे से ही इंजरी शुरू हो गया था, इंजरी हो गया था लेकिन ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, इतना उसको कभी हुआ नहीं था, फिर भी वो ध्यान नहीं दे रही थी, है ना. तो ये चीज इस तरह से चीजों को समझना है. ठीक है, पेशेंट सेज डे बाय डे आई एम लूजिंग वेट एंड बिकमिंग वीक.
उसका लूजिंग ब्लड था, इस पेशेंट का लूजिंग क्या हो रहा है, ब्लड लूजिंग हो रहा है, तो वेट भी लॉस हो रहा है और वीकनेस भी आ रहा है. He will show some part of the body, arms and wrist, by touching and drawing out the skin on them. ये बता रही थी कि डॉक्टर साहब देखें ना आपका कपड़ गुले सब लूज हो जाते हैं, ये सब टाइट छिलो हमार ये सब लूज हो जाते हैं. ठीक है सर. The thinking, weakness is not from the outside, but also from within. जो वीकनेस आ रहा है, थिनिंग हो रहा है, ये नॉट फ्रॉम आउटसाइड, अंदर भी कमजोरी हो रहा है. ठीक है, जो काम आसानी से कर पा रही थी अब नहीं हो रहा है. He believes that his problem is causing weakness in the body and is repulsive to responsible for the reducing stress. ठीक है, क्या उसको कैसा फील हो रहा है, यही कारण, ये जो ब्रीदिंग हो रहा है मेरा, यही कारण है जो मेरा ये शरीर को कमजोर कर रहा है. थोड़ा थोड़ा रिंकल्स आने शुरू हो गए, स्किन जो टाइट था हो, ये डिलीजन बॉडी ब्लैक, ये खराब लग रहा है मुझको. लोग भी बोल रहे हैं मेरे को कि कैसे दिख रही हो, काली काली, अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारा शरीर, कैसे दिख रही हो, ऐसे बोलने लग रहे हैं लोग उसको. तो ये फीलिंग उसको शुरू हो चुका है, तभी वो मेरे को बार बार आके बोल रही है कि दीदी डॉक्टर साहब रुक नहीं रहा. ठीक है, मतलब चलता जा रहा है. द पेशेंट ऑलवेज हैज फर्म बिलीव दैट ही विल गेट रिलीफ. ही इज होपफुल ऑफ रिलीफ ऑफ गुड डेज. ठीक है, फिर भी वो मेरे साथ क्यों लगी है, क्योंकि उसका जो नहीं हो रहा था, इतना दवा खाने के बाद पीरियड्स नहीं आ रहे थे, अब उसको जब पीरियड आना रेगुलर, मतलब स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो गया दवा खाते ही, तो उसको लगने लगा कि यार जब, और क्या बोलती है मेरे को कि सब आपने एक चीज तो है, आपने मेरा शुरू कर दिया, जबकि मैं अंग्रेजी दवाई खा के बस कुछ दिन के लिए होता था फिर बंद हो जाता था, लेकिन आपने शुरू तो कर दिया लेकिन ये रुक नहीं रहा. वो जब 15 दिन के बाद ये बोलना कि ये रुक नहीं रहा, आपने शुरू किया है इसलिए मैं आपसे दवाई ले रही हूँ कि मेरे को ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि जब आपने शुरू कर दिया तो बंद भी कर देंगे आप, ये होपफुल रहता है, इसलिए होप के साथ वो परसीवर करता है. ठीक है, तो द पेशेंट ऑलवेज हैज फर्म बिलीव दैट ही विल गेट रिलीफ. ही इज होपफुल ऑफ रिलीफ ऑफ गुड डेज, और मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर मेरे अगर मैं चाहूंगी तो मेरा बच्चा भी हो जाएगा जब मैं ठीक हो जाऊंगी. उसे भरोसा होता है कि वो ठीक हो जाएगा और पहले की तरह जीवन का आनंद लेने लगेगी. हाँ, इतना तकलीफ होने के बाद भी मेरे को इनकरेज करेगी, कोई बात नहीं होता, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ के दे दीजिए पहले, तो होता ही रहता है, लेकिन जब आपने ठीक किया है तो ये भी आप ठीक कर देंगे, ये बिलीव, फिर मैं ठीक ठाक अपना तो पूजा भी जाने लग जाऊंगी, सब कुछ करने लग जाऊंगी, आनंद ले सका जो बीमार होने से पहले था. अगर उसे आराम न भी मिलता हो तो भी लगातार दवा लिए जा रही हो, ये भी यदि डॉक्टर कह दे कि मैं आपको ठीक नहीं कर सकता या सकता, फिर वो आशा, फिर भी वो आशावान रहता है, नहीं नहीं आप करिए ना, क्यों परेशान हो रहे तो यही है होपफुल और परसिवर. आशावान होने के कारण वो अपने तकलीफ के प्रति ज्यादा चिंतित नहीं रहता है और कहता है कि यह सब जीवन का अंग है, तकलीफ तो आती जाती रहती है, आप दवाई देते रहिए, फिर भी 15 दिन के बाद भी दिस लेडी वाज वेरी फ्रिवलस, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20 दिन 1 महीना हो गया तब उसको जब लोग बोलने लगे कि यार तुम कैसे दिख रहे हो इतने अच्छा, तुम शरीर तुम्हारा देखो कैसा हो गया है, दिखने में ठीक नहीं लग रहा है, बुरा बुरा लग रहा है, रिंकल्स वगैरह आने शुरू हो गए उसको, तब उसको लगा. आशा और बेफिक, मतलब ये जो होप और फ्रीवुलस नेचर के कारण से वो समझता है कि वो परिस्थिति के साथ लड़ सकता है. अभी तक 15 दिन तक उसको लग रहा था कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक है मैं कर लूंगी, ऐसा कोई बात नहीं है, 15 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, नहीं जब ठीक नहीं हुआ, 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया,
सब उसको 20 दिन होते ही उसके समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़, अब मैं इसको बर्दाश्त से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, लड़ सकता और इतनी शक्ति है कि परिस्थिति पर काबू पा सकता है। वह कहता है आप इसकी चिंता नहीं करो डॉक्टर, या कोई दर्द की चिंता मत करो डॉक्टर, हाँ मैं सह सकती हूँ, मैं सह सकता हूँ या सह सकती हूँ। तो जी इतना फिर भी वो 15 दिन के बाद भी बोल रही थी कि कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं तो इसको कर लूंगी, आप परेशान मत हो। तो ये ही डिल्यूजन वेल्थ है कि अभी भी उसको लग रहा है कि मैं अपने को ठीक कर लूंगी, अभी तक उसको ये डर नहीं बैठा कि अभी मैं गड़बड़ होने वाला, ठीक है, अपने तकलीफ के प्रति ज्यादा चिंता नहीं रहता। आशा और एकदम एक होप और फ्रिवलस नेचर का के कारण वेल्थ के साथ साथ अपनी बीमारी तकलीफ से वो लड़ता रहता है, वो लगातार कोशिश करता रहता है उसे राहत ना हो या थोड़ी कम राहत हो फिर भी वो ट्राई करता रहता है, ठीक है ना, कोशिश करता रहता है हो या ना हो। मरीज कहता है कोई भी इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता डॉक्टर मैं जितना करता हूँ। ये पेशेंट भी यही बोलते डॉक्टर इतना दिन कोई बर्दाश्त करेगा, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, लगातार ब्लीडिंग हो रहा, कोई बर्दाश्त करेगा डॉक्टर, नहीं करेगा, जितना मैं करती हूँ, कोई दूसरा होता तो इतना इंतजार या धैर्य नहीं रखता, इतना इंतजार नहीं करता, ठीक है, कोई दूसरा होता डॉक्टर साहब ये 20 दिन से मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि आप मेरे को ठीक कर देंगे, और मुझे लगता भी है कि आप ठीक कर देंगे, जब आपने ये ठीक किया तो ये भी ठीक करेंगे, और कब का आपको छोड़ के भाग गया होता, दूसरे डॉक्टर के पास चला गया होता, ठीक है। तो यही परसिवरेंस है और डिल्यूजन वेल्थ है। तकलीफ के कारण मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, क्या हो रहा है कि मैं जो पूजा पे सारा कुछ मैं इंतजाम करती थी वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, सामान भी खरीद के लोगों को नहीं दे पा रही हूँ। जब तक हो रहा था मैं करके सब कुछ जुगाड़ करके दे देती थी कि पूजा का ये सामान है, ठीक है, मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि पहले स्वास्थ्य है जीवन में, बाद में काम हो जाएगा, ठीक है। अभी अब जब उसको ये थिनिंग वाली पॉवर्टी वाली बात आ गई तब इसको ध्यान आया, फिर ये जब मतलब 20-25 दिन हो गया ना तब ये मंदिर जाने का बात भी भूल गई, बोले डॉक्टर साहब पहले हेल्थ है उसके बाद काम है, उसी तरह से कोई दुकानदार है या ऑफिस जाना है वो छोड़ देगा, छुट्टी ले लेगा कि नहीं भाई बिजनेस नेग्लेक्टेड ही इज, नेग्लेक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसने भी अब वो मंदिर का बात करना बंद कर दिया, 20 दिन के बाद से इसने बंद कर दिया, बोला डॉक्टर साहब पहले तो हेल्थ करना, पहले इसको ठीक करना है उसके बाद में वो सब बात मैं सोचूंगी। तो ये बिजनेस नेग्लेक्टेड इज, अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है, यदि मैं काम ना करूं तो भी आसानी से काम चल जाएगा, ठीक है। ये डिल्यूजन वेल्थ हमेशा ये चीज ये बात बार बार बोलता रहेगा। जैसे मैंने एक और केस बताया था, एक रिक्शा वाला का पिताजी है, रिक्शा चलाता है पैडल रिक्शा, कितना कमाएगा है ना, कितना कमाएगा एक रिक्शा वाला, कितना कमा लेगा, 100-200, इतना बड़ा जगह तो ये है नहीं, 200-300 रुपया कमा लेगा ज्यादा से ज्यादा, कितना भी मेहनत करेगा तो, और भी तो दुकानदार है और भी तो रिक्शा वाले सब, तो ये सब तो इसमें नहीं बैठे। उसका पिताजी आके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैं उसके साथ बैठा हुआ था, होम्योपैथी डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, जस्ट ऐसे ही चला गया कि चलो काम हम नहीं है तो थोड़ा देख लेते हैं, उनके साथ बैठ के देखते हैं थोड़ा सिखाने के लिए कि ये सीखो भाई। तो वो रिक्शा वाला है, वो आदमी बूढ़ा आदमी ठीक ठाक कपड़ा पहने हुए लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा, बोला डॉक्टर साहब मेरा ना और मेरी बहू ना मेरे को बढ़िया से, मेरा बेटा मेरा बहुत ध्यान रखता है, बहू बेटा 3 टाइम एकदम गरम गरम खाना मेरे को खिलाता है, किसी चीज का कमी नहीं है, ठीक है, ऐसे बोल रहे हो। अब हम समझ रहे ना कि एक रिक्शा वाले का पिताजी जो कुछ नहीं करता है, पहले वो भी रिक्शा चलाता होगा या कुछ काम इसी तरह का करता होगा, तो बोलते हैं मेरी बहू मेरा बहुत ध्यान रखती है,
नाती पोता भी है मेरा, बहुत अच्छा से ध्यान रखता है मेरा बेटा, मेरा मेरा बेटा और बहू मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, तीन टाइम एकदम गरम गरम खाना खिलाते हैं, किसी चीज का दिक्कत नहीं है डॉक्टर, ये बेचमान बात, तो काम चल जाएगा। वो अपने स्वास्थ्य के प्रति और भविष्य के प्रति हमेशा चिंतित रहते हैं, काम नहीं करूंगा तो भी। अब इस लेडी का क्या हो, चाहे वो यही आदमी जो आके इस तरह से बात कर रहा है तो फिर दवाई लेने क्यों आए, है ना? अगर सब कुछ वेल, सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर दवा लेने क्यों आया, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, है ना? ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फ्री में दवा मिलेगा। अगर इतना ही रिच है, वो इतना ही वेल्दी है, तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों आना, ठीक है? तो वो जब उसको कुछ गड़बड़ लगने लगा, तभी वो अपने स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ के प्रति, हेल्थ जुड़ने की और भविष्य जुड़ने के आगे जो दिया पॉवर्टी पे चले जाओगे एंड डिल्यूजन वांट्स ही विल कम, एरकम जखन आसबे माथाय ताले तो आसबे पेशेंट ना, ताले थॉट डिजीज ऑफ ভাবলো কি ছিল আমি তো বলতে পারবো না, কিন্তু ভাবলো তো থট ডিজিজ অফ, এই একটা রোগীর কাছে আর অ্যাংজাইটি ফিউচার অ্যাবাউট, অ্যাংজাইটি হেলথ অ্যাবাউট, ওয়াই ফিয়ার অফ পোভার্টি, বিকজ অফ পোভার্টি, অ্যান্ড ওয়াই পোভার্টি কেম, বিকজ অফ হিজ ইমাসিয়েশন, বডি ইমাসিয়েটিং অ্যান্ড থিনিং, ঠিক আছে? And the injury is continuing. That's why the patient talei am patient era erokom patient amar kache sulfur patient talei ashe jakhon mane bimari ke bare mein sochne lagega, fir future ka chinta, fir health ka chinta shuru ho jayega. Is sab ke sath wo kehta hai ki use kisi tarah ki bimari ko bardasht kar sakta hai, par dard उल्टी टट्टी या किसी तरह का दर्द से डर लगता है, वो किसी तरह की बीमारी को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये दर्द बीमारी के कारण से जो दर्द होता है, उल्टी होने लगता है, स्टूल लैट्रिन होने लगता है या दर्द बढ़ने लगता है, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं, जब तक बढ़ने लायक नहीं है, जब तक एक लिमिट में है, जब तक ये बर्दाश्त कर सकता है वेल्थ में, तब इसको वेल्थ शो करता है, और जैसे उसमें डिटोरिएशन शुरू होता है, बढ़ने लगता है, वो कंटिन्यू होने लगता है, ठीक है, तब इसको डर शुरू होता है। वाई क्यों ऐसा कहता है, वो कहता है कि मेरे कि ये मेरे शरीर में कमजोरी पैदा करती है, ज्यादा उल्टी होना, ज्यादा दर्द होना, ज्यादा लैट्रिन होना, ये सब क्या करता है इसको, क्यों ऐसा होता है, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है, क्यों? दर्द होने से क्या होता है डॉक्टर साहब, बड़ी कमजोरी होने लगती है, उल्टी होने से क्या होता है, कमजोरी होने लगती है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, वाई इज टेलिंग सो, क्योंकि कमजोरी होने लगती है, मतलब क्या होता है, उसके वेल्थ में, उसके हेल्थ में कमी आनी शुरू होती है, ठीक है ना, ये थिनिंग होने लगता है। वह कहता है कि मेरे शरीर में कमजोरी पैदा करती है और मेरे सारे क्रियाकलाप में बाधा डालती है, ये मेरा काम धाम में ऑब्स्ट्रक्शन है, मैं काम ठीक से नहीं कर पाता हूं, ठीक है, ये मेरी सारी शक्ति और आत्मविश्वास को खींच लेता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खींच लेता है, मैं उतना ज्यादा हिम्मत से काम नहीं कर पाता हूं फिर, ठीक है, मेरी शारीरिक और मानसिक शक्ति कम होने लगती है, यह मुझे थका देती है, ये स्थिति से मुझे डर लगता है, मैं पूरी तरह से असहाय ही ना हो जाऊं, फियर पॉवर्टी ऑफ, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं, मतलब एकदम हेल्पलेस बना देता है मेरे को, तो ये डर कि मैं किसी कोई काम करने लायक ना रहूं, जैसे पेशेंट बोलता है सब ठीक है अभी तो घुटना दर्द हो रहा है, हां लेकिन मैं किसी तरह से काम चला रहा हूं अभी, लेकिन ये घुटना दर्द ऐसा ना हो जाए कि मेरे को चलना फिरना मुश्किल हो जाए और मैं बिस्तर में पड़ जाऊं, तो पहले क्या दिखा रहा है, घुटना दर्द है कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, काम चल रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब जब उसको फ्यूचर थॉट डिजीज ऑफ एंड एंजाइटी फ्यूचर अबाउट
और एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट शुरू होता है, तब इसको दर्द दिमाग में बैठता है, क्लियर, क्योंकि इमेसिएशन शुरू हो गया, थिनिंग शुरू हो गया, तो फियर पॉवर्टी वाली बात आ गई। अभी तो ठीक है, सल्फर का पेशेंट कैसे बोलता है, डॉक्टर साहब अभी तो काम चल रहा है, अभी तो काम चल जा रहा है, लेकिन मेरे को डर लग रहा है कि अब मैं चलने फिरने लायक नहीं रहा, तो क्या होगा, डिल्यूजन वांट्स ही विल कम, मतलब बिस्तर में चला जाऊंगा और फिर तो एक गिलास पानी के लिए, खाने के लिए किसी को बोलना पड़ेगा, वही मेरे को ला के खाना खिलाएगा, मैं तो चल नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ये पॉवर्टी से, डिल्यूजन वांट्स से सीधा पॉवर्टी में आना और पॉवर्टी से वांट्स में आना, तब पेशेंट को चिंता होने लगती है और वो अपने इलाज के लिए कोशिश करना शुरू करता है। पूरी तरह से असहाय ना हो जाऊं, फियर पॉवर्टी ऑफ, पर मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं, कैप्रिशियस क्या करूं, यह सब आपके ऊपर है, आप कुछ करें, ठीक है, अपने की चौपड़, এখন আমি বুঝতে পারছি না কি করব, এই সব আপনি করেন, কি করবেন যে আমি তো বলে দিলাম, এই সব আমার সমস্যা, ঠিক আছে, তাহলে এই মুঝে সমাজ মে নেই আ রা ক্যা করুন, ক্যাপ্রিসিয়াস ক্যা, হ্যাঁ না, আপ চাহতে কি ডাক্তার সে মে ইলাজ করাউ, হ্যাঁ না, লেকিন আপকো সমাজ মে নেই আ রা হ্যায় কি ক্যাপ্রিসিয়াস কা মতলব ইয়ে, আপ চাহতে হ্যায় লেকিন ক্যা চাহতে হ্যায় ইয়েই পতা নেই। ठीक है, कैप्रिशियस का मीनिंग है ये, आपको कुछ चाहिए लेकिन क्या चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह से इसका इसका घुटना दर्द ठीक करना है लेकिन मतलब कैसे ठीक करना है ये इसके समझ में, तब इसीलिए ये डॉक्टर के ऊपर अपने आप को छोड़ देता है कि आप जो करना है आप करो। तो इसके लिए विधिक क्या है कि कैरेट डिजायर टू बी कैरेट। ठीक है, हम लोग ये सब रोगी का ध्यान नहीं देते लेकिन ये सब लगाना है। तो यहाँ पे कैरेट डिजायर टू बी कैरेट और प्रेइंग, प्रे कर रहा है अब आपके पास कि अब आप डॉक्टर साहब आप जो करना है आपको, मैं तो नहीं कुछ कर पाऊ, है ना, ठीक है, कुछ हाँ बोले 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 আমি বললাম কালকে হবে, শিখবো কি করে আমরা বলেন, যখন কম্পেয়ার করবো তাই জন্য আমি বলি, তাই জন্য আমি বলি যখন পেশেন্ট আসে না ওই যে কি ফিল করতেছে, আপনি ওইখানে দাঁড়িয়ে ভাবেন কি আমি যদি এখানে থাকতাম কি করতাম, এই হচ্ছে মাইন্ড সিস্টেম করার সিস্টেম, এই না যে আমি রুব্রিক জানি যে পেশেন্ট বললো ঠিক বলে দিলাম, আমি ওইখানে পেশেন্ট পেশেন্ট যে ভাবতেছে ওটা আমাদেরকে ভাবতে হবে, তাহলেই আমরা এই সিস্টেমটা ভালো মতন করতে পারি। হ্যাঁ ঠিক আছে, পরে লিখে নিবেন, ঠিক আছে, মানে পুরো যতটি রুব্রিক এলো, পরে না চর্চা করবো, হ্যাঁ ওইটা পরে করবো, কিন্তু এইটাই আমি বলি, কেন বলি আমি কি আপ যখন পেশেন্ট আয়া না উসমে আপনি আপকো ফিট করকে দেখো, अभी उस पेशेंट की फीलिंग आपको समझ में आएगी कि इसको मेडिसिन देना क्या है। ठीक है, माइंड सिस्टम ऐसे करना है कि पेशेंट आया बोल दिया और उसका रूब्रिक लगा दिया, वैसे नहीं होता। ठीक है मंतोष, है बुच्चो कि हमें बोलते थे पेशेंट आसलो और हमें बोले दिलाम हो गए वही रूब्रिकटा नहीं दिलाम और ओषुध दिए दिलाम, এরকম হয় না, মতলব ওরকম আমাকে ফিল করতে হবে কি আমি যদি এই অবস্থায় থাকতাম কি করতাম, ঠিক আছে, হ্যাঁ এরকম ভাবতে হবে, এরকম ভাবলেই আমরা শিখব, ঠিক আছে, এই এইগুলো দেখো
मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आता है कि मैं क्या करूं। कैप्रिशियसनेस का मीनिंग क्या है? चाहता है कि मैं ठीक हूं, लेकिन क्या है, कैसे ठीक हूं, वही नहीं समझ में आ रहा। ये क्या, कोई छोटा बच्चा है, कैप्रिशियस बच्चे के लिए लेते हैं, उसको ये चाहिए, कुछ खिलौना चाहिए, लेकिन कौन सा खिलौना चाहिए वही उसकी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे ही है हम लोग का। जो पेशेंट हमारे पास आएगा उसको तो ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन कैसा ट्रीटमेंट चाहिए, कैसे ठीक होना है वो नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, ये है कैप्रिशियस, चाहिए लेकिन क्या चाहिए यही नहीं समझ में। तो पेशेंट यहाँ पे कैप्रिशियस एंड प्रेइंग, अब जो करना है डॉक्टर साहब आप ही करो, कैरी डिजायर टू बी कैरी, अब मेरे को यहाँ से निकालो, ये दर्द से मेरे को ठीक करो, ये जो मेरा पीरियड ये ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रहा है यहाँ से निकालो मेरे को, इसको ठीक करो। ये मूड रिपल्सिव है, ये सल्फर का मूड रिपल्सिव है, इसको ठीक करो। ठीक है, इतना सारा सब रूब्रिक है ना, ये सब सल्फर में लगने वाला रूब्रिक है। पेशेंट अपने काम को निग्लेक्ट करता रहेगा जब तक उसे लगेगा कि वो ठीक है। ये लेडी जितना केस मैं बता रहा हूँ सबको, सल्फर के हर पेशेंट, जैसे वो लड़का जो मीट मच्छी 4-5 पीस खा लेता था, वो अब नहीं खा पा रहा है, तब तक वो अपना काम कर रहा है, फिर भी कर रहा है, खा रहा है, फिर भी 1 पीस 2 पीस पे आ गए, जब 1 पीस पे आ गए तब उसको ध्यान आया, निग्लेक्ट करता रहा। पेशेंट अपने काम को निग्लेक्ट करता रहेगा जब तक उसे लगेगा कि वो ठीक है, और जब उसकी स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए है ताले की कुर में, तब उसे अपनी गरीबी का डर सताने लगेगा। ताले हुई फियर पॉवर्टी टास्क, आउट ऑफ कंट्रोल होएगा। सब केस टाइम वही लेडी ब्लीडिंग हो जाती है, क्यों लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, 15 दिन क्रॉस 20 दिन क्रॉस है এই পভার্টি, এরকম হলে তো আমার শরীরটা তো একদম শেষে হয়ে যাবে এরকম। ঠিক আছে, এখন ফিয়ার পভার্টি আসবে তাহলেই যাবে ডাক্তার। আভি তো মে জওয়ান হু, পর তব ক্যা হোগা জব মেরি উমর হো জায়েগি, জব আমি বুড়া হয়ে যাব, তো এখন কি আছে, ডেলুশন ওয়েলথ আছে, কিন্তু যখন পভার্টির চিন্তা শুরু হবে ভয় লাগবে। যেহেতু কেসটা বলেছি সব কেস এইরকমই, পভার্টি চিন্তা হলেই আমার কাছে আসবে, ইয়ার ডাক্তার কাছে যাবে, হয় লাগলেই যাবে পেশেন্ট। থিন ইজ গেটিং, ওটা ঠিক আছে, থিন ইজ গেটিং যখন ইমেসিয়েশন শুরু হলো আর লাগলো যে না আর মানে ধীরে ধীরে আমার শক্তিটা কমে যাচ্ছে, ব্লিডিংটা বেড়ে যাচ্ছে, কারণ কমতি হচ্ছে ডে বাই ডে বেড়ে যাচ্ছে, মতলব ডেজ আর ইনক্রিজিং, ব্লিডিং তো হচ্ছে কিন্তু ডেজ আর ইনক্রিজিং, মানে ডে বাই ডে আমার এইটা বেড়ে যাচ্ছে, আমার শরীর কমজোর হয়ে যাচ্ছে, শরীর থেকে ভাইটাল ফ্লুইড বেরিয়ে যাচ্ছে ডে বাই ডে, নতুন তো আসছে না কিন্তু আমার যে আছে ওইটাও মানে ঘটে যাচ্ছে। ঠিক আছে, ঠিক, হ্যাঁ বুঝতে পারছো তো, কিছু ক্লিয়ার আছে না, ক্লিয়ার হচ্ছে তো, जब उसे फियर ऑफ पॉवर्टी चिंतित करने करने लगती है तब उसे खतरा दिखने लगता है। ये फियर ऑफ पॉवर्टी जब वो माथे ढूके ताले और मने भय चले आसे, खतरा है, खतरा मने भय, ठीक है, फियर चले आसे, खतरा दिखने लगता और वो कहता है कि बार बार मुझे तकलीफ क्यों हो रहा है, ये ब्लीडिंग तक क्यों हो जाच्छे, কেন আমি যখন মিট মাছি মিট মাংস খাই আমার পেট জ্বালা করে, বার বার হচ্ছে এটা, কন্টিনিউ চলছে। ঠিক আছে, মে তো ঠিক হো গিয়া থা, পুনা কেসে হো গিয়া, এরকম পেশেন্ট বলে তো ডাক্তারবাবু আমি তো ঠিক হয়ে গেছিলাম, আবার কেন হয়ে গেল ওইগুলো এই জিনিসটা। ঠিক আছে, ডাক্তারবাবু আপনি তো আমাকে ঠিক করে দিয়েছিলেন, আমি ঠিক হয়ে গেছিলাম, আবার কেন হয়ে গেল। ঠিক আছে,
जब उसे फियर ऑफ पॉवर्टी चिंतित करने लगती है तब उसे खतरा दिखने लगता है और कहता है कि बार बार मुझे तकलीफ क्यों हो रही है, मैं तो ठीक हो गया था, पुनः कैसे हो गया। ठीक है सर, यह मैं नहीं चाहती, हमें ऐसा चाहिए ना, अतः वो बार बार ऐसा होच्छे, हमें तो ठीक होएगा चिल्ला, मावार क्यों हो लो ऐटा, हाँ, ये रकम बोल दे पेशेंट, ये ऐसा होच्छे, हमें ऐसा चाहिए ना, ये मतलब ये मतलब शरीर खराब होगा, ज्वार होगा, मतलब जो कुछ, जो नो जो कुछ असुख, ये हमें चाहिए ना, मतलब कि ऐसा हमार काचे आशे ना, दूरे ठाके মুড রিপালসিভ, ওই রকমই শরীরে যদি অসুখ আসে তখন কেমন লাগবে, না এই এই অসুখটা আমার দরকার নেই। ঠিক আছে, উনকে কেউ আসলো ডাক্তারবাবু এই এই আমি বিক্রি করতেছি, এটা নিয়ে নেন, নিবেন, তাহলে আমরা কি বলি, যখন নেওয়ার ইচ্ছা নেই, না না লাগবে না, এরকম বলে দিই, মানে কি মুড রিপালসিভ, এইটা বিমারি, এই আমি চাই না ডাক্তারবাবু, শরীর অসুখ হলে না খুব অসুবিধা হয়, কাজ টাজ সব অসুবিধায় হয়ে যায়, এইসব আমি চাই। ঠিক আছে, বুঝছো তো মুড রিপালসিভ কেমন হয়, হ্যাঁ সব সবার আলাদা আলাদা হয়, বেলাডোনার আলাদা হবে, নাক্সের আলাদা হবে, ঠিক আছে, সালফারের আলাদা হবে, সালফারের কেন মুড রিপালসিভ থাকে, ও চায় না যে আমি শরীর খারাপ করি, আর আমার যে কাজগুলো আছে, আমার লক্ষ্যে যে আমি যে চ্যারিটি করি এইসব বন্ধ হয়ে যায়, লোককে দেখভাল করি, লোকের কাজ করে দিই, আমি কোনো এইসব করলে আমার ভালো লাগে, যখন এইটা বন্ধ হয়ে যায় না ডাক্তারবাবু ভালো লাগে না, তাই জন্য আমি চাই না যে আমার শরীরে কোনো এইরকম অসুখ আসে যে আমি এইসব চ্যারিটি কাজ গ্রামের কাজ আর লোকের দেখাশোনা করা পার্টিতে যাওয়া এইসব বন্ধ হয়ে যায় না ভালো লাগে না, এই আমি চাই না। ঠিক আছে, কেন নাক্স কেন মুড রিপালসিভ হয়, কি ওই কাজ ওই জন্য কিছু মাথা ব্যথা হলে আমার ইরিটেশন শুরু হয়ে যায়, শান্তি ভঙ্গ হয়ে যায়, লেকিন ইসকা ক্যা হতা সালফার কাজ শান্তি ভঙ্গ নেই হতা, ক্যা হতা কি দূসরো কে লিয়ে কাম কর রা থা দিখানে কে লিয়ে কি দেখো মে তোমারা কিতনা ধ্যান রাখতা হুঁ, তো ইয়ে চিজ রুক জাতা, তো রুকনে সে ক্যা হতা ইসকো লাগতা কি মেরা ইজ্জত থোড়া কম হতা যা রা, মে লোগো কা হেল্প নেই কর পা রা হুঁ, তো মেরা জো ইজ্জত থা ও কম হো জায়েগা, ইসিলিয়ে ইসকো মুড রিপালসিভ হ্যায় কি মেরে কো ইয়ে বিমারি নেই চাহিয়ে, ইয়ে দর্দ নেই চাহিয়ে। अब देखो ये महिला जिसका ब्लीडिंग हो रहा है वो क्या बोलती है कि मंदिर का सारा काम मैं करती हूँ, अब ब्लीडिंग होने से क्या हो गया, मंदिर जाना बंद हो गया है ना, ठीक है, जाना बंद हो गया तो इसको क्या लगा, अरे यार मेरा इज्जत तो डाउन हो रहा है, ठीक है ना, तो ये डॉक्टर साहब मेरे को हटाना है, इसको मैं नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सोशली जो एक मेरा स्टैंडर्ड है, एक मेरा प्रतिष्ठा है, वो खत्म हो रहा है। ठीक है सर, तो ये मूड रिपल्सिव एकदम लागबे ना हमारे सब ठीक करते हो बे, आपने जे करबेन करें डॉक्टर हो, हम कोताव जाबो ना, ये कैरी डिजायर टू बी कैरी हर प्रेइंग, ये पेशेंट के साथ ना ये सब ध्यान रखना है कि पेशेंट कैसे होगा, उसको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है, तभी आपको रूब्रिक समझ में आएगा। ऐसे आपका कोई पेशेंट होगा सल्फर का, उसको याद करिए कि उसमें क्या क्या था जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब था कि नहीं था, सल्फर क्यों दिया आपने, ठीक है, पुनः कैसे हो गया है, ये मैं नहीं चाहती, मूड रिपल्सिव और एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रासमेंट, আবার কেন হয়ে গেল ডাক্তার বাবু, আমি তো ঠিক হয়ে গেছিলাম, এই এম্বারাসমেন্ট আছে এখানে সালফারের, ঠিক আছে, আর আর দেখো ড্রিঙ্কিং অন স্লাই, অ্যালকোহলিজম ড্রিঙ্কিং অন স্লাই, ঠিক আছে,
ये दूसरों को बोलता है सल्फर का वाला, कह रहे दारू वारू नहीं पीना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, ये सब खूब उपदेश देगा क्योंकि प्रोफेसर है ना, प्रोफेसिंग करना है, लोगों को अच्छा बात सिखाना है। लेकिन ड्रिंकिंग ऑन स्लाई का मतलब क्या है, अल्कोहलिज्म, ड्रिंकिंग ऑन स्लाई, छुप छुप के पीना, ठीक है। एक उर्दू में ना एक शेर है, शेख जी पीते हुए पकड़े गए। अब शेख जी तो पूरे गांव को बोल रहे थे कि भाई दारू नहीं पीना चाहिए, ठीक है। जब शेख जी पीते हुए पकड़े गए तो बोले एक दो जाम सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है सर, कोनो बड़ो लोग जे सबके ग्रामीण लोग के बोले दारू तारू खाबी ना भाई, तुम्हारा ये सब गलत काज से, और एक दिन धरा पड़ल बाड़ीते নিজে খাচ্ছিল, চুপ লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছিল, কেউ দেখে নিল বন্ধু এক দু এক দুই প্যাক তো চলে, শরীর ঠিক থাকে হচ্ছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, বুঝে গেছো? এটা অ্যালকোহলিজম, ড্রিঙ্কিং অন স্লাই, বুঝছেন, বুঝে গেছেন না? এইরকম কথা, মানে ছুপিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সিক্রেটলি করে এইসব কাজ, কেউ আমাকে দেখে না, এটা আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখেছি। হ্যাঁ, আমাদের একটা ডাক্তার ছিলেন, ওনাকে আমি দেখেছি প্র্যাকটিক্যালি, সবার সামনে করবে না, যে একদম খাস লোক আছে ওনার সঙ্গে বসে খাবে, যে জেনে গেছে যে এই তো জানে আমার, আমরা এরকম বসে খাবে, ঠিক আছে, সেগমেন্টলি করে না। আর বেলাটা নাকি সবার সঙ্গে চলো বসে মিশে 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 বসে গেল সবার সঙ্গে, সামনেই খেয়ে নেবে, এইসব হয় কথাটা, ঠিক আছে, মন্তোষ সমজ মে আ গিয়া? হ্যাঁ, ড্রিঙ্কিং অন স্লাই এই অ্যালকোহলিজম, ড্রিঙ্কিং অন স্লাই মিন্স ড্রিঙ্কিং অন এ সিক্রেট প্লেস বিকজ ইট অলসো হ্যাজ দ্য রুব্রিক হাইপোক্রেসি, যেমন ধরা পড়লো, হ্যাঁ হাইপোক্রেসি, যেমন ধরা পড়লো কি বলবে, আরে এক দু প্যাক তো হেলথ ঠিক রাখা হয় উসকে লিয়ে মেন লেতা হুম, ঠিক আছে, ইয়ে হাইপোক্রেসি, দ্যাট ইজ দ্য প্র্যাকটিস অফ প্রফেসিং স্ট্যান্ডার্ড বিলিভ ইট ইস, ঠিক আছে, প্রফেসিং দূসরো কো সমঝানা বহুত মজা হয়, লেকিন জব আপনে খুদ পকড়ায়া তব বোলনা শুরু কর দেগা, আরে ইয়ার ঠিক আছে এসা করতে হ্যাঁ এসা করনা আচ্ছা হ্যায় হেলথ কে লিয়ে আচ্ছা। যখন ধরা পড় গিয়া তব উসকো লাগা কি আরে ইয়ার স্যার, আরে দাঁড়া দাঁড়া গন্ডগোল হচ্ছে, হ্যাঁ বলো স্যার, বলছিলাম এর আগে দিনে সালফার লিখছেন না, সালফারের ইটা SULPHUR, আপনি ইয়ার লিখছেন কি লিখছি, SULPHUR লিখছেন কিন্তু সালফারের স্পেলিং কেতে ইউআর লাস্টে, আচ্ছা সালফার লিখেছি কোথায়, আচ্ছা ঠিক আছে ওইটা ইয়ে করে দিব, হ্যাঁ চল এখানে, আপনি তো প্রিন্ট করেননি, কে করেছে মনে হয়, ঠিক আছে দশজন লোক দেখবে তো, ভালোই তো দশজন লোক দেখবে একটু ধ্যান যাবে,
है ना घर दस लोग बोलबे तो আমাকে স্যার আপনি এরকম লিখে দিয়েছেন है ना ध्यान দিবে তো হ্যাঁ ঠিক আছে তো আমাকে বললো ধ্যান দিল না ধ্যানে দেখলো এই তো ধ্যান দিয়ে দেখতে হয় ঠিক আছে চল আর না আমি না আমার না হটকা লাগছে হ্যাঁ না ঠিক আছে ওইটাই তো ভালো এখন বন্ধ করি হ্যাঁ টাইম হয়ে গেছে হ্যাঁ আর আছে আগার নেক্সট ওইটা শেষ করব অনেক আছে মানে টোটাল যে অ্যানালাইসিস আছে না ওইটা করব আগে নেক্সট সালফারেট টোটাল অ্যানালাইসিস এখন তো মোটামুটি হয়ে গেছে কিন্তু অ্যানালাইসিস করলে না ওটা যাবে ভালো ঠিক আছে ঠিক এখন টাইম হয়ে গেছে একটু থাকতে হবে।